हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐप के बारे में। और कहीं एंड्रॉयड और किसी एंड्रॉयड ऐप में आपको ये फीचर्स जो है वो देखने को नहीं मिलते, और उसके साथ साथ आपको जो लुक मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, उसी ऐप के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, और वो ऐप जो है वो आप यूज़ करके 100% सेटिस्फाइड होंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप हमारे वीडियोस लगातार देख पाओगे और हमारे साथ बने रहोगे। जरूर से सब्सक्राइब करना, ये जो लाल वाला बटन है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करो। तो गाइस, आप देख सकते हो ये जो है वो ऐप है एबे म्यूजिक प्लेयर। तो ये जो नेम है इसका ऐसा नेम है, और यहाँ पर लोगो जो है वो आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो आपको ऊपर जो है सर्च बार पे सर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए सिंपली। तो चलिए फोन ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके यूनिक फीचर्स क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। तो गाइस, आपको पता चल गया है कैसे आपको वो ऐप जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर जाके, और सीधा हम उस ऐप पर चले जाते हैं और उसे आपको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कितने फीचर्स जो है उस ऐप में आपको मिल जाते हैं। तो पहले चलिए उस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो वो ऐप ओपन हो चुका है। तो गाइस, जैसे मैंने बोला था, स्टाइल भी आपको जो है वो बढ़िया मिलता है यहाँ पर। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कितने फीचर्स इसमें हैं। यहाँ पर से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप एल्बम आर्ट जो है वो अपडेट कर सकते हैं। मान लो अगर आपको अपना पिक लगाना है किसी भी गाने के एल्बम पर, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पर एल्बम आर्ट अपडेटर से। लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद आप बड़े ही आसानी से उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा फीचर्स ये मिल जाता है कि आपको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना नहीं पड़ता अगर आप किसी सॉन्ग के एल्बम के आर्ट पे अपना खुद का पिक्चर लगाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन इसको अगर आप यूज़ करेंगे इस MP3 प्लेयर को, तो आपको जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा फीचर जो आपको मिल जाता है यहाँ पर, रिंगटोन मेकर। आप किसी भी सॉन्ग का रिंगटोन जो है वो यहाँ से ही बना सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। यहाँ पर से आपको दो फीचर्स मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर से आपको स्लिप टाइमर मिलता है। अगर आप मान लो आप सेट कर रखते हो स्लिप टाइमर, तो 10 मिनट बाद अगर आप सेट करते हो तो 10 मिनट बाद अगर आप सेट करते हो तो क्या होता है, अगर आप सॉन्ग प्ले करके फ़ोन रख भी देते हो तो आपका स्क्रीन जो है वो ऑन नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद जो है वो स्लिप मोड पे चला जाता है, मतलब स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाता है और गाना चलता रहता है। तो यहाँ पर से आप स्लिप मोड भी जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर से सेटिंग पे जाओगे तो आपको और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे क्रॉस फेड एंड रोटेशन डिस्क, मतलब जो डिस्क है वो रोटेट होगा। तो गाइस, उसके साथ साथ आपको और भी फीचर्स मिलते हैं कि वो आपको क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर से देख सकते हो आप एक सॉन्ग चल रहा है, और यहाँ पर से अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि बारिश में सॉन्ग सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको। तो यहाँ पर से उसके लिए आपको अलग से जो है एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है। अगर आप इसको कंफर्म कर दे तो बारिश का साउंड जो है वो चलता रहेगा, और उसके साथ सॉन्ग का साउंड भी जो है वो चलता रहेगा। तो इससे क्या होता है, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर देते हो कि एक बारिश चल रहा है और उसके साथ साथ गाना भी जो है वो चल रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा फीचर्स है जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलता दूसरे सॉफ्टवेयर्स में, पर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। और ये जो है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा अगर। और बहुत ही कूल फीचर है ये, जो बारिश का फीचर दिया गया है यहाँ पर, बहुत ही कूल है। यहाँ पर से आप बारिश मोड को ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो अपने मुताबिक। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऑन रखना पड़ेगा हर टाइम, आपको आपके मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पर से और भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इक्वलाइजर जो कि बहुत अच्छा एक फीचर है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अलग से इक्वलाइजर जो है वो डाउनलोड करते हैं, लेकिन यहाँ पर से उनको ये भी जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर से आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर नॉर्मल है, बहुत सारे ऑप्शन भी है, जो आपका मनपसंद है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिस गाने के साथ जो सही बैठता है उसको सेट कर लीजिए और सुनते रहिए। और यहाँ पर से जो बारिश मोड है वो मेरा फेवरेट है। और यहाँ पर से अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आपको और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रीसेंट एडिट। अगर आप रीसेंट एडिट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो गाना जो है आपने कुछ दिन पहले जो है वो एडिट किया है, यहाँ पर से वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वर्कआउट पे देखते हो, अगर आप वर्कआउट पे क्लिक करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो नो सॉन्ग, जैसे कि बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं तो उसके टाइम जो है वो म्यूज़िक चलाते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर से अलग से सेट कर सकते हो आप कौन से म्यूज़िक जो है वो सुनना चाहते हो वर्कआउट के टाइम, तो वो जो है ऑटोमेटिकली प्ले होता जाता है एक के बाद एक। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है शावर टाइम, बहुत लोग शावर टाइम सॉन्ग सुनते हैं, यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हो किन किन सॉन्ग।
कौन कौन से सॉन्ग यहाँ पर से आप सुनना चाहते हो शावर के टाइम, तो वो भी जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो, और भी बहुत सारे आप खुद से भी एडिट कर सकते हो यहाँ पर। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कितने फीचर्स है इसमें। रिंगटोन आप खुद से बना सकते हो, एल्बम आर्ट आप अपडेट कर सकते हो, इक्वलाइजर आपको मिल जाता है, रोटेट डिस्क मिलता है, क्रॉस फेड मिलता है, उसके साथ साथ आपको ये फीचर जो है वो मिलता है यहाँ पर से। आप वर्कआउट के टाइम अपने मुताबिक सेट कर सकते हो, शावर के टाइम, वॉक के टाइम, ट्रेवल के टाइम, पार्टी के टाइम, जो जो भी गाने आप सुनना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली प्ले होता जाता है। तो ये जो फीचर्स है ये सब ऐप में आपको नहीं मिलते, यहाँ पर से आपको मिल जाते हैं बस एक ऐप में इतने सारे फीचर्स। और उसके साथ साथ जो बेस्ट फीचर है इसका वो है रेन, यहाँ पर से जो है ये रेन मोड अगर आप ऑन कर देते हो और हेडफोन लगा के सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और इसे आपको यूज़ करके आप डेफिनेटली बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, उसके साथ साथ एक अच्छा खासा लुक मिल जाता है। तो अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन पे और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी भी टाइप की सजेशन चाहिए आप नीचे ज़रूर से कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर अपने दोस्त फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिलती है डेली एक न्यू वीडियो न्यू टाइप की, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहे टेक रूम, और कल मिल जाएगी आपको एक और न्यू वीडियो।